जिले के चिड़ावा कस्बे के नजदीक देवरोड व नरहड रोड पर एक कार ने एक स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 जने घायल हो गए, इनमें एक को गंभीर हालत में झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जैसे ही ये सूचना मिली कि स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है, वैसे ही अभिभावकों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए तथा देवरोड नरहड रोड पर कुछ देर तक जाम की स्थिति बन गई। इसके बाद लोगों को इधर उधर कर रास्ते को दुरुस्त करवाया गया। बता दें कि सुल्ताना गांव के जावेद व सबाना तथा एक अन्य सुल्ताना गांव से एक अल्टो कार में नरहड स्थित कौमी एकता की मिसाल नरहड दरगाह जा रहे थे, तभी रास्ते में देवरोड नरहड रोड पर यह सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे का कारण ये बताया जा रहा है कि अल्टो कार का ब्रेक फेल हो गया। काफ़ी प्रयास किए लेकिन अल्टो कार के ब्रेक नहीं लगे। इसी दौरान टैगोर पब्लिक स्कूल की बस, जो कि बच्चों से भरी हुई थी, उसमें पीछे से अल्टो कार जा टकराई। इस दौरान अल्टो कार में सवार जावेद व सबाना गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं बस में सवार दिलीप के चोटें आईं। ये अभी चिड़ावा के पास में ही जो नरहड के पास में कोई एक्सीडेंट हुआ बताया, और वहाँ से 108 में 3 पेशेंट आए थे, जिनमें 2 के तो छाती में हल्की फुल्की चोटें हैं, उनके एक्सरे करवाए हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है। और एक जावेद नाम का बंदा है, उसके थोड़ी ज़्यादा चोट है, उसका जो लेफ्ट विंडस है वो फ्रैक्चर हो गया, तो उसको यहाँ से रेफर कर रहे हैं। इनमें अल्टो कार में सवार जावेद को गंभीर हालत में झुंझुनू बीटी के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि नरहड 108 एम्बुलेंस को सूचना मिली, वैसे ही 108 एम्बुलेंस के EMT घनश्याम व पायलट ब्रिजेश सैनी मौके पर पहुंचे तथा 108 एम्बुलेंस की सहायता से चिड़ावा के सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां घायलों का CSC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने प्राथमिक उपचार किया। कुल 3 घायलों में 2 घायलों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि जावेद को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें झुंझुनू के बीटीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे के दौरान अल्टो कार ड्राइवर साइड का एयरबैग खुलने से ड्राइवर जावेद की जान बच गई, हालांकि अल्टो कार आगे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जिले के चिड़ावा कस्बे के नज़दीक देवरोड गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल स्टेडियम में 64वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। 17 व 19 वर्षीय छात्र आयु वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ झुंझुनू जिला कलेक्टर रवि जैन ने किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान भर से कुल 42 टीमों के 1400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बता दें कि गांव देवरोड में शुरू हुई इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर आयोजित हुए समारोह के मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ घोषणा पत्र पढ़कर व राजस्थान का झंडारोहण कर किया। इस दौरान मंच पर चिड़ावा SDM जगदीश प्रसाद गौर, सूरजगढ़ SDM अभिलाषा पूनिया, चिड़ावा वर्ता अधिकारी रघुवीर प्रसाद शर्मा, मेजर जनरल SS नायर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमर सिंह पचार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पीतराम काला, सूरजगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जय भगवान, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के PRO कर्नल शौकत अली, पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा, गाँव देवरोड के सरपंच कुलदीप आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य सीमा व शारीरिक शिक्षक जय सिंह धनखड़ ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया व स्वागत किया। बाद में छात्राओं ने राजस्थानी लोक गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। यहाँ देवरोडगढ़ में 64वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। पूरे राजस्थान से करीब 42 टीमें यहाँ पर आई है, 1400 खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। मैं इस प्रतियोगिता के बहुत सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। और यहाँ जो गाँव वालों ने व्यवस्था की, इस छोटे से गाँव में इतना शानदार स्टेडियम बनाया है पिछले 3-4 सालों में, उसके लिए मैं सभी गाँव वालों को, जिन्होंने भी इसके लिए मेहनत की है, अपना श्रम दिया है, अपनी मेहनत दी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के शानदार स्टेडियम पूरे झुंझुनू में और भी कुछ स्थानों पर बने। यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आए हैं उनको भी मैं बेस्ट विशेष देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इनका जो यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा अगले 6 दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। सर, कुछ मांगे गाँव वालों ने रखी है, डेफिनेटली उनको मैं राज्य स्तर पर उठाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी मांगे पूरी हो। बता दें कि प्रतियोगिता में कुल 42 टीमें भाग ले रही हैं। 42 टीमों के 1400 खिलाड़ी प्रतियोगिता पर कब्जा जमाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। राजस्थान भर से 33 जिलों से 33 टीमें आई हैं। इसके अलावा 9 टीमें एकेडमी से आई हैं। खेल स्कूल घोषित करवाने की मांग
जिला कलेक्टर से ग्रामीणों ने देवरोड की सरकारी स्कूल को खेल स्कूल घोषित करवाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने आगे प्रस्ताव भिजवाने की बात कही। साथ ही जिला कलेक्टर ने गांव देवरोड की सरकारी स्कूल के खेल मैदान के रख रखाव को लेकर हर संभव मदद सरकार से दिलवाने की बात कही।